नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जब रणनीति बेजोड़ होती है तो हर चुनौती का तोड़ निकलकर सामने आ जाता है। विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी बिना थके और बिना आराम के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है और विपक्ष अभी तक एकता की रणनीति बनाने में जुटा है। विपक्ष का चेहरा कौन होगा अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक हो रही है लेकिन अपने ही एक दूसरे पर हमला करने से नहीं हिचकते हैं। इधर बीजेपी है जो अभी से लोकसभा के हर सीट पर चौकस नजर रखे हुए है। मेगा मंथन और जीत के मेगा प्लान के जरिए विपक्ष को टेंशन में डाल दिया है। एक तरफ बीजेपी देश भर में यात्राओं के जरिए अभी से माहौल बनाने में जुटी है और केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों से सीधे जुड़ रही है और दूसरी तरफ दो दिन दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होने जा रहा है। यानी बीजेपी ने अपनी बेजोड़ रणनीति के जरिए विपक्षी गठबंधन का तोड़ निकाल लिया है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अपूर्वा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अभी जिस तरह से बड़ी जीत तीनों राज्यों में बीजेपी को मिली, इसके बाद सरकार के गठन को लेकर भी तमाम जो प्रक्रिया होती उस पर फोकस था, लेकिन बहुत ही जल्दी ऐसा लग रहा है कि अब लोकसभा पर फोकस बीजेपी कर चुकी है। ये दो दिन जो अहम बैठक होने जा रही है जिसमें संगठन महामंत्री, प्रदेशाध्यक्ष सभी जुट रहे हैं देश भर से, एक एक सीट पर चौकस नजर बीजेपी की, क्या वजह है कि थोड़ा और दिन रुककर इन चीज़ों की शुरुआत ना होकर बिना वक्त गंवाए बीजेपी इस पर फोकस कर रही है और काम में लग चुकी है? देखिए श्वेता जी, हिंदुस्तान ने या मैं कहूँ भारत ने, जब भी कांग्रेस का शासन रहा इतने लंबे समय तक, तो वहाँ के लोगों ने एक बहुत बेसिक सी जो चीज़ें होती थी जो उनसे जुड़ाव रखती थी उसके लिए वो तरसे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस दर्द को जो है वो अनुभव किया है। लोकसभा के जो चुनाव हैं वो हो सकता है कि आगे 4 महीने बाद हों, मगर हमारी तैयारियां इसके 2 महीने पहले से ही शुरू हो गई। अब आपको उसका मूर्त रूप दिख रहा है और आगे जो तैयारियां हैं वो और चरम पर जाएंगी। उसका कारण ये नहीं है कि हमें सिर्फ चुनाव जीतना है, उसका कारण ये भी है कि हमें भारत को एक विकसित भारत बनाना है, 2047 तक अमृतकाल की तरफ लेकर जाना है। और वो अमृतकाल केवल हाई प्रोफाइल लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, वो अमृतकाल होना चाहिए गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, शोषित वर्गों के लिए। आप देखिए, पहली बार मुझे लगता है भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से पे खड़े होकर के अगर टॉयलेट्स की बात करी तो उन्होंने करी, आवास की बात करी तो उन्होंने करी, प्रत्येक नागरिक को जल पहुंचाने की बात करी तो उन्होंने की, बिजली पहुंचाने की बात करी तो उन्होंने की। तो हमें अभी उस अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है समाज पे, उस व्यक्ति को मुख्य धारा में लेकर आना है, उसका उत्थान करना है, उसका कल्याण करना है। इसीलिए हमारा लोकसभा की जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, आरसी चौधरी जी, अभी तक विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे और कहा जाता है कि ये क्योंकि ये सेमीफाइनल है, फाइनल तो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव 2024 पर फोकस भी था और यही वजह थी कि INDIA गठबंधन बना, इकट्ठा हुए सब, 3 बैठकें पहले हुई, 4थी दिल्ली में भी हुई। दूसरी तरफ बीजेपी की दोनों बैठकें, 2 दिन अहम बैठकें होने जा रही हैं लोकसभा चुनाव के ही मद्देनज़र। एक तरफ तो एकता की बात जरूर विपक्ष कर रहा है लेकिन वो एकता नजर नहीं आ रही है। कैसे लोकसभा चुनाव में सबकी एक साथ होकर टक्कर देने की तैयारी करेंगे बीजेपी को? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा, जब आप इंडिया की जो बात करें, इंडिया की जब पहली मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के बाद में बौखलाए हुए देश के प्रचार मंत्री और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कहते हैं, उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है और उसी गठबंधन में जो लोग शामिल थे उन्हीं में से एक को चुरा के और एक सूबे का उप मुख्यमंत्री बनाया। इनकी लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं, उस हर आवाज से है जो भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों पे पूछती है, उनको बेबस करती है, जिससे वो बेचैनी होती है। आपने कहा कि इंडिया जो गठबंधन है उसकी हमने जो 4थी बैठक 19 दिसंबर को हुई, उसके बाद में सीटों के गठबंधन को लेकर और तमाम अगर वोट शेयर इंडिया के जो घटक दल है उनको देखा जाए तो 2019 का हो चाहे 2024 का चुनाव हो, अगर मतों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी 37% के आधार पे 303 की सीटों के साथ में
सत्ता में काबिज हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जो जनता के वादे किए थे, हर चुनावी रैली के अंदर, जो चुनावी रैलियों में जनता के जो वादों को याद दिलाते थे, कहते थे 410 रुपए का सिलेंडर महंगा है, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार है, 15 लाख रुपए खाते में है, तमाम जो भी बातें उन्होंने कही वो एक भी बात उन्होंने पूरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने बहुत अच्छा कहा कि हमने हर व्यक्ति को घर का वादा किया था, हर घर में बिजली का, जल का, नल का, टॉयलेट का, तमाम बातें कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान पे जिस चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं, आज 80 करोड़ लोगों को खाने के अनाज के भरोसे छोड़ दिया है, जो इस देश के निर्माण में हिस्सा चाहते थे उन्हें सिर्फ इस मुद्दे पे छोड़ दिया है। हम इनसे पूछना चाहेंगे हंगरी इंडेक्स में देश कहां खड़ा है, हम इनसे पूछना चाहेंगे डॉलर की जो दरें हैं, जो 2014 में प्रधानमंत्री जी बोलते थे, आज किस जगह पे रुपया क्यों लड़खड़ा रहा है, पूरी देश का जो रुपया है दुनिया के अंदर क्यों धाक नहीं जमा पा रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता केंद्रित होकर एक व्यक्ति की महिमा और गुणगान में लगी है, और मैं कहता हूं जब व्यक्ति का महिमा इस स्तर पर पहुंच जाता है तब विनाश तय हो जाता है। 2024 का जो चुनाव है, हम जनता के मुद्दों पे, बढ़ती हुई बेरोजगारी जो 45 साल के अंदर सबसे बड़ा आयाम भारतीय जनता पार्टी ने रखा, जहां पे महंगाई है वो अनियंत्रित है, जहां पे लोगों की बचत है वो 50 साल में न्यूनतम चली गई है, तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे सरहद की सुरक्षा के मुद्दे हो, इन मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी अपनी डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसी के लिए आप लोग बार बार बोल बात भी करते हैं कि नहीं, लोकतंत्र भी खतरे में है, और इसलिए 2024 के लिए विपक्षी एकता रहेगी इस चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की। लेकिन क्या वाकई में एकता है? आरसी जी, बात होती है, बैठक होती है, फिर कोई ना किसी ना किसी की नाराजगी हो जाती है, कोई ना कोई चला जाता है, एक मत एक राय नहीं होगी अगर अंदर, तो इसका तो फायदा मिलेगा इनको, बीजेपी के सामने कैसे टक्कर देंगे? हाँ, निश्चित रूप से श्वेता जी, आप जिस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं, ना सिर्फ आप कर रहे हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता ये जानती है कि हिंदुस्तान का जो डीएनए था, हिंदुस्तान का जो विचार था, आइडिया ऑफ इंडिया था, उसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है और कौन बचा सकता है। आज दो चीजों के और दो विचारों के बीच की लड़ाई होने जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया गठक दल के तमाम जो नेता एक स्वर के अंदर एक जगह पे ये कहते रहे कि वो मुख्यमंत्री नहीं आए या वो फ्रंट नेता नहीं आए, वो नहीं आए, लेकिन जब जब जरूरत हुई, किसी की व्यस्तता हो सकती है, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता सदैव यह रही कि जो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करेगा हम उसके खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। इसी पर एक रिएक्शन फिर देखिए श्वेता जी, मैं तो ये कहूंगी कि ना नौमन तेल होगा और ना ही राधिका नाचेगी, ना इन लोगों में कभी एकता होगी और ना ये कभी कोई ऐसा मुद्दा उठा पाएंगे, क्योंकि इनके तो ऐसा हो रहा है ना कि एक जाता है, एक रूठता है, एक भागता है। आपने नर्सिंग क्लास वाला आपने जो एपिसोड होता है ना, वो इन लोगों के बन रखा है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, इनको बड़ा लोगों से और लोगों की संवैधानिकता से और उनके अधिकारों पर बड़ा ये बात करते हैं। अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं उस एपिसोड को, जब इनके माननीय राहुल गांधी जी खड़े होकर के मिमिक्री कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, और वो उसका वीडियो बना रहे थे। ना इन्होंने किसान पुत्र का सम्मान किया, ना इन्होंने संवैधानिक पद का सम्मान किया, ना इन्होंने धरती पुत्र का सम्मान किया। ये क्या एक गरीब का सम्मान क्या करेंगे, ये क्या इस भारत के नागरिकों का सम्मान करेंगे? इनके इन्होंने तो 70 साल तक मखौल ही उड़ाया यहाँ की जनता का। तो मैं कहती हूँ, जनता ने आपको घर बैठा दिया है, राज्यों में भी घर बैठा दिया है, केंद्र में भी आप घर बैठे हैं। अभी भी कुछ संस्कार सीख लीजिए, अभी भी मैं कहती हूँ विकास का वह भी बोलना सीख लीजिए, ताकि आपका आज नहीं कभी ना कभी तो उद्धार हो सके। और जहां तक कि आप बीजेपी में शामिल करने की बात करते हैं, तो मैं आपको एक बात कहती हूँ, बीजेपी एक ऐसे मुद्दे पर लगी हुई है कि जब तक सभी लोग जो है वो अनैतिक व अमार्ग पे जो चल रहे हैं, उनको जब तक सुमार्ग पे बीजेपी नहीं लेकर आती है, तब तक बीजेपी का ये मुद्दा कायम रहेगा सब लोगों को समायोजित करने का। ठीक है महेश शर्मा जी, अब विपक्ष का तोड़ कहीं ना कहीं है इस मीटिंग को, इस मंथन को माना जा रहा है रणनीति बनाने के लिए। ये 2 दिन बेहद अहम रहेंगे, बैठक बहुत अहम रहेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पक्ष की अगर बात करें, बीजेपी की या INDIA गठबंधन की, इन बैठकों की या 2 दिन जो बैठक होने वाली है, किस आपका नजरिया क्या कहता है इसलिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अभी इनकी रणनीति का जो भी है डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशंस बनती है। जो भी आप रणनीति बना लीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन वो अंतिम दिनों में जो चुनावी माहौल जो बनता है उसमें क्या स्थितियाँ बनती हैं। दो चीज़ें हैं, अभी जो ए, ए, जो जो गठबंधन का, जो इंडिया का जो बना है विपक्ष का, वो अभी तक जो है सीटों के बंटवारे पे आएगी। सीटों के बंटवारे पे अगर आता है तो थोड़ी सी चुनौती बीजेपी के लिए भी आ सकती है, लेकिन आता है कि फिर
पीएम के पद पे कौन दावेदार हो, ये एक सबसे बड़ा टसल जो रहेगा। हालांकि मतलब ममता जी ने ये कहा है कि भाई दलित चेहरा जो है हमारे खड़गे साहब उनको मतलब ज्यादा बनाया जाए और केजरीवाल जी ने समर्थन किया, ये कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं ये जो इनका जो स्ट्रेटेजी जो तय हो रही है वो दो तीन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो दलित चेहरा को लेकर के आगे इनके सामने लेके आएंगे, दूसरा ये जिस तरह से बीजेपी का अगर देखें कि उपराष्ट्रपति जी का जो सम्मान की जो बात लेकर के जाति सूचक जो बातें हो रही है और जाति को आधारित मतलब क्या कहते हैं जिस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रारोप कर रहे हैं, तो ये एक तरह से वोटों की ध्रुवीकरण की बातें हैं। रणनीति की यही बातें होती है, किसको क्या मतलब माइलेज मिल जाए कहीं मिल जाए। इस समय अगर मतलब क्या कहते हैं ना संयुक्त रूप से अगर इन लोगों ने इंडिया वालों ने अगर संयुक्त रूप से अपना एक प्रत्याशी नहीं घोषित किया तब तक इनकी ये इसी तरह की लड़ाई जो है जो विधानसभा चुनावों में जो आई थी सामने वो की वही मतलब क्या कहते हैं सिचुएशन। लेकिन ये आसान भी तो नहीं रहेगा इनके लिए कि एक इतने सारे जब लोग अलग अलग राय अलग अलग विचारधारा के हो जब वो एक साथ आए और एक ही फैसले पे सब कायम हो सबको एकजुट करना ये भी तो आसान नहीं रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ अभी तक आप ये देखिएगा जितने अब देश के राजनीतिक इतिहास में अगर आप जाएं पीछे जनता पार्टी इसके बाद में आपके जो जितने भी मतलब क्या कहते हैं ना गठबंधन की सरकारें चली है वो मतलब क्या कहते हैं ना उसको कहीं ना कहीं मतलब बहुत जल्दी गिर गई हैं बदल गई हैं बार बार में बचाने की कोशिश की गई है। तो गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिनों तक सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि एक कॉमन प्रोग्राम पे तो सही बन जाता है मामला। लोकतंत्र को ये जैसा कि हम बचाने के लिए जरूरी है कि सशक्त विपक्ष हो, लेकिन ये जरूरी है कि गठबंधन में जब ये सरकार आती है उस दौरान जो इनके आपसी जो विवाद होते हैं वो जो है ना जो सत्ता की जिसमें मतलब प्रधानमंत्री का जो पद होता है और दूसरे महत्वपूर्ण पदों को लेकर के जो खींचतान जो होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। ठीक है आरसी जी, बिल्कुल अहम बात अभी कही महेश जी ने भी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है जनता का विश्वास जीतना, क्योंकि जनता भी देखे कि जब ये सब एक साथ है ऐसा ना हो कि हम इनके साथ चले जाएं, सरकार भी बना लें केंद्र जीत भी जाए, मान लीजिए अगर ये भी मान लेते लोकसभा चुनाव, लेकिन फिर बाद में अगर कुछ होता है तो फिर जनता को यही देखना पड़ेगा, तो एक डर जनता के मन में ये भी तो रहेगा, वो विश्वास जीतना भी तो एक बड़ा चैलेंज रहेगा। श्वेता जी निश्चित रूप से जो आप बात का जिक्र कर रहे हैं और महेश शर्मा जी ने जिस बात का जिक्र किया ये एक सेगमेंट के द्वारा ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है और लगातार ये सतत प्रयास किया जाता है और इसकी शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की जो इंडिया का गठबंधन और घटक दलों को लेकर उन्होंने बात की। लेकिन वही कुछ दिनों के बाद में उन्होंने कहा कि ये एनडीए की जब मीटिंग आहूत की और उन्होंने कहा इतने दिनों का ये गठबंधन है, मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी राजनीतिक दल के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी अकेली और सबसे सशक्त सरकार है चेस्ट थंपिंग की बात करती है तो वो एनडीए के गठबंधन को क्यों नहीं नकार रही, वहां पे बहुत से लोग हैं लेकिन हम जानते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में वो तमाम जो छोटे छोटे जो दल हैं वो इनके सामने आवाज मुखर करने से डरते हैं, लेकिन इंडिया के गठक दल की प्रतिबद्धता है कि आइडिया ऑफ इंडिया के हम प्रोटेक्शन के लिए उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी अगर हद तक हमें जाना होगा कोई कितनी भी यात्राएं हमें झेलनी होगी वो हम सब झेलेंगे। आप सब देख रहे हैं कि देश की संसद के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रुंधाली विलाप कर रहे हैं उन्हें धरती पुत्र याद आता है, उन्हें किसान पुत्र याद आता है, किसान की बेटियां याद आती हैं, वो भूल जाते हैं 750 किसानों की हत्या किसने की थी, 1.5 साल से अधिक देश की राजधानी दिल्ली में उन्हें पांव किसने नहीं रखने दिया, जब वो तिरंगा लेके जो किसान की बेटियां इस राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही थी उन्हें दिल्ली पुलिस के पांव से जब कुचला जा रहा था तब उसकी आवाज को कौन उठा रहा था। ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम बार बार ये पूछना चाहते हैं कि देश की संसद पे 13 दिसंबर को जो हमला हुआ उस हमले का जवाब क्यों नहीं दे रहे देश के गृह मंत्री जी, जब देश के गृहमंत्री तमाम ही दावे करते हैं और देश की संसद को अगर वो नहीं बचा पाए इस प्रश्न के जवाब से बचने के लिए ये ओछे हथकंडे अपनाते हैं और किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के पीठ के पीछे छुप के और अपना वार करने का प्रयास करते हैं। कि 30,000 किसानों पे आपने कितने मुकदमे दर्ज किए थे, उनके साथ में समझौता किया था कि ये मुकदमे वापस लेंगे, उनके साथ में क्या था चोर गोपाल को डांटेंगे, मिमिक्री आप करेंगे, वीडियो आपके सम्मान में राहुल गांधी जी बनाए और आप ये कहें कि राजनीति हम कर रहे हैं,
पद पे बैठा हुआ कोई संस्कार नहीं होने चाहिए, वोट के तौर पे नजर आता है। आपके राहुल गांधी जी वहां जाकर रोक नहीं सकते थे कि तुम क्या कर रहे हो? एक संवैधानिक पद का तो मजाक उड़ा रहे हो। किसानों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने बेबस और मजबूर किया था उन किसानों को। कहां गया था एआई का डेवलपमेंट, कहां गया था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग? ये वही भारत देश है जहां ये सब हो सकता है। लेकिन अपूर्व जी, आपने इन सबको करप्शन का अड्डा बनाया, अपूर्व जी सबको आयात करना चाहा। ठीक, आरसी जी ने अभी जो एक बात कही कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बात करें तो, क्योंकि फोकस तो आप लोगों का है आपकी योजनाओं पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो चल रही है, शहरी क्षेत्रों में जो चल रही है, लेकिन जो कुछ और अहम मुद्दे जिनका जिक्र बार बार आरसी जी कर भी रहे हैं अभी डिबेट में भी, भटकाने की कोशिश ये एक बड़ा आरोप। मुझे लगता है श्वेता जी आप ही मुझे बताइए, क्या उपराष्ट्रपति का पद क्या मुद्दे से भटकाने की बात है? क्या उनका अनादर होना और उसके लिए आवाज उठाना क्या मुद्दे से भटकाने की बात है? नहीं। वो भी वो व्यक्ति जो इस राजस्थान की धरती का पुत्र हो, किसान पुत्र हो, किसान को हम भूमि पुत्र कहते हैं, भूमि पुत्र हो, उसका ये मखौल उड़ा रहे हो सारे जने बैठ के। और मखौल भी किस, मतलब मैं कहती हूँ एक होता है मजाक करना और एक होता है बहुत ही शुद्ध किस्म की मजाक करना। गलत तो हुआ ना आरसी, ये तो मान रहे हैं। आपका सवाल सही है कि 13 दिसंबर को जो हुआ उस पर एक्शन को लेकर आप लोग जवाब चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन जो किया गया वो भी तो गलत था आरसी जी। श्वेता जी मैं मिमिक्री तो नहीं करना चाहिए उपराष्ट्रपति के, श्वेता जी मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जवाबदेह होती है, विपक्ष से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सरकार जवाबदेह होती तो हमने ये पूछा कि देश की संसद में हमला कैसे हुआ, गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? अगर वो गृह मंत्री जी दोनों सदनों में आके जवाब देते तो कहां दिक्कत थी? लेकिन गृह मंत्री उस जवाब से बचना चाहते हैं, इसे मैं ये पूछना चाहूंगा। देखिए आप सुन लीजिए, आपको बीच में योगदान नहीं डाला हमने, हमें आप बोलने का अवसर दीजिए, हमें आप बोलने का अवसर दीजिए, आप अपनी जवाबदेही से बचने का प्रयास करते हैं। आपने इस बात का जवाब दिया नहीं, इट वॉज अ ब्रीच ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, बस इतनी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। और आज वही भारत देश है, कहीं दंगे नहीं होते, कहीं पर आतंकवाद नहीं होता। केवल मैं 4 जिलों की बात अगर मैं छोड़ दूं कश्मीर की, तो इसके अलावा कहीं पर आतंकवाद अब विराजमान नहीं है। मगर श्वेता जी भारतीय जनता पार्टी का यही काम बचा है सिर्फ विचलन करना, मुद्दों से विचलित करना, लोगों का ध्यान रखना, जवाबदेही से भागना, अपनी जवाबदेही से लगातार भागते रहना भारतीय जनता पार्टी का चित्र। महेश जी ये जो मेगा प्लान है लोकसभा को जीतने को लेकर, 2 दिन अहम मीटिंग होने वाली है, इन योजनाओं पर खासतौर से फोकस रहेगा, यात्रा निकाली जा रही है, आपको लगते हैं कि ये मददगार साबित होगा और इससे वो फोकस कर रहे हैं अभी से हर एक क्षेत्र हर एक सीट पर? देखिए ये यही वाली बात है कि इस समय जो चुनाव में जो है लोकसभा चुनाव में, एक तो ये देखना कि व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए मतलब लोगों का ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं प्रभाव रहेगा कि आज अगर भाजपा का जो चेहरा अगर मोदी हैं तो उनके समकक्ष कौन सा चेहरा है? विपक्ष के पास वो चेहरा है ही नहीं है। ये सबसे बड़ी मतलब जो कमजोरी है जो इसे, और फिर इनके पास वो वाले मुद्दे नहीं हैं जो जिससे मतलब क्या कहते हैं भाजपा की जो उपलब्धियों का या उनकी काट की जा सके। अब ले दे करके मतलब कभी कौन सा कार्ड खेलना, कभी किस तरह का जनजाति का, और ये जो जिस तरह के जो मुद्दे जो उठाए जाते हैं ना, तो ये इससे क्या है कि स्वयं विपक्ष भी ऐसा लगता है विभ्रमित है कि उसे एक्चुअल में क्या कहते हैं ना, जो अपने प्रतिद्वंदी जो है बहुत मजबूत है, उस मजबूत खिलाड़ी के सामने हम कौन सा खिलाड़ी रखेंगे? और इनकी जो योजनाओं की जो अगर नहीं होती क्रियान्वति तो उसका इतना मतलब समर्थन भी नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं आज जैसे राजस्थान के उदाहरण ले लीजिए आप, मतलब ये हिंदी बेल्ट की बात करते हैं, तीन जो चुनाव विधानसभा के हुए तीनों मतलब राज्यों के, तो उसमें गारंटी वो भी दे रहे थे, गारंटी इनकी भी रही है, उस गारंटी में किसको किस प्रायोरिटी मिली, तो वो वाली सोचने की बात है कि कोई भी काम करे एक मैसेज वो दे चुके हैं बीजेपी के। कांग्रेस और मतलब इसे जो भी अलाइन जो है वो मतलब अपने अपने राज्यों और अपने अपने खंडों तक तो सीमित है, लेकिन वो अगर नेशनल लेवल पे, आज ममता जी का नेशनल लेवल पे क्या व्यक्तित्व है, शरद पवार के व्यक्तित्व क्या है नेशनल लेवल पे, और दूसरे चीज अखिलेश यादव का है क्या, मतलब ये है बात है तेजस्वी यादव को आप खड़ा कर दीजिए, क्या मतलब व्यक्तित्व ऐसा हो जो बनाया जाए,
बनते हैं ये जरूरी नहीं है। और ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि राज्य स्तरीय अपने अपने राज्य में वर्चस्व जरूर है, उनका एक चेहरा है, एक पहचान है, एक पावर है, लेकिन क्या केंद्र में आने के बाद और ये जब सब एकजुट होंगे तो क्या उस पावर के साथ उतनी मजबूती के साथ जनता के बीच जा पाएंगे और जनता उन्हें उसी तरह से एक्सेप्ट करेगी ताकि वो बराबरी से टक्कर बीजेपी को दे सके, एनडीए को दे सके, जिसकी तैयारी लगातार विपक्ष कर भी रहा है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जीत के लिए पीएम मोदी ने मेगा प्लान तो बना लिया, दो अहम बैठक होने वाली है, मंथन यहां पर होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार बैठ के कर रहा है, विपक्ष की एकता की बात की जा रही है, लेकिन इसके तोड़ के लिए मजबूत रणनीति होना भी जरूरी है और वो रणनीति ही बनाने के लिए दो दिन अहम बैठक होगी। साथ ही साथ जो योजनाएं केंद्र की है उसका लेकर भी आम जन के बीच में पहुंचेंगे, सीटों पर फोकस है और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी से बिना रुके तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी। कितना सफल होती है, कितना फायदा मिलता है और कैसे लोगों तक पहुंचते हैं और क्या 2014-2019 के बाद परिणामों में और बड़ी छलांग लगा पाएगी बीजेपी 2024 में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।